गाइस जंगल में सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो ये होती है कि आप जानवरों पे जो है थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जंगल में हर प्रकार की जो है मुसीबत आ सकती है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एकदम गीला है। अभी अभी जो है सुअर अभी जो है यहीं आसपास कहीं होगा, तो इस पे उसने अपने शरीर से, उसके शरीर पे जो मिट्टी लगी होगी उससे रगड़ लगाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो जंगल में जो मेन प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि आप अपनी सेफ्टी के साथ चलें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बिल्कुल ताज़े उनके कोज भी हो रहे हैं। जस्ट अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हैं, हो सकता है कि मेरी आवाज़ की वजह से वो यहाँ से निकले हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है मेरा प्लान है कि यहाँ पे हम लोग एक शेल्टर बनाएंगे, जिससे कि बारिश, अभी बरसात का सीज़न है तो बारिश हो सकती है। सबसे पहले हमें एक शेल्टर बनाना होगा, जिसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैदान लग रहा है जंगल के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग जो है एक शेल्टर बनाते हैं प्यारा सा, जैसा भी बन पाएगा। वैसे मैंने अभी तक शेल्टर बनाया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं शेल्टर बनाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा स्ट्रक्चर जो है बन चुका है, जहाँ पे हमने जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
सुबह सेल्टर तो मैंने बना दिया है, बट सेल्टर बनाने में बहुत मेहनत लगती वाकई में। अगर हम कहीं जंगल में फंस जाते हैं तो उसके लिए इस तरह का जुगाड़ हम बना सकते हैं, जहाँ पे जो अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे जो है मैंने यूज किया है। जैसे कि स्पेस तो काफ़ी है, कुछ प्लास्टिक मेरे पास बची थी जो ख़राब थी, तो वो मैंने इसमें अंदर से लगा दी है, जिससे कि यहाँ अंदर जो है पानी भी नहीं आ पाएगा। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो पानी से भी हम थोड़ा बहुत जो है बच सकते हैं। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है, मैंने अच्छा जो है मोटे लकड़ियाँ लगाई हैं, तो जानवर भी एकदम से जो है रात में अटैक नहीं कर पाएगा। और बाकी बाहर से मैंने जो है आप देख पा रहे होंगे हरी पत्तियाँ काट काट के डाल दी हैं दोनों साइड से, इस साइड से भी आप देख पा रहे होंगे हरी पत्तियाँ डाल दी हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा मैंने बनाया, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबा मैंने बनाया। बट सेल्टर बनाने में अकेले अगर आप हैं तो बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलो अब रेस्ट करने के लिए कुछ बनाते हैं, कि क्योंकि नीचे गीला है तो कुछ रेस्ट करने के लिए बनाते हैं। और सबसे पहले तो कुछ बनाते हैं खाने के लिए भाई, क्योंकि भूख लगी है बड़ी ज़बरदस्त। गाइज ये वो लकड़ियाँ हैं जो कि अगर पानी में भीग भी जाएंगी तो फिर भी जल जाएंगी।
बाय बाय गाइस, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय।